जेल में बैठा एक शख्स तुम लोगों के असहाब पर सवार है, मुझे क्यों निकाला? सहाफी हसन निसार का नवाज शरीफ को अहम मशवरा। जो मेरे साथ हुआ उसका हिसाब होना चाहिए, सीनियर सहाफी हसन निसार ने निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की ये बात सुनकर कान पक गए हैं, मुझे क्यों निकाला? एक बार ये भी पूछें कि मुझे क्यों घुसेड़ा? पहले जाओ ब्रिगेडियर कयूम की कब्र पर और पूछो मुझे क्यों घुसेड़ा, फिर जनरल जिलानी की कब्र पर और पूछो, और फिर जियाउल हक की कब्र पर, तब तो बड़े शौक से आए थे इक्तदार में। सहाफी हसन निसार ने कहा कि नवाज शरीफ एक झूठी सच्ची कहानी सुनाते फिर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। उनके मुंह को ऐसा कौन सा खून लगा है कि बार बार जलील होने के बाद फिर वहीं घुसते हैं? ये कारोबारी लोग हैं। आसिफ जरदारी का बयान जिसमें कहा था कि इमरान खान ने अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर वोट रजिस्टर कराए, इस पर फजलुर रहमान ने तहकीकात कराने का कहा है। हसन निसार ने कहा कि 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही, तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? जेल में बैठा एक शख्स तुम लोगों के आसाब पर सवार है, अपना कोई बंदोबस्त करो।